सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। मारुति सुजुकी 2019 में लॉन्च करने जा रही है अपनी नई ऑल्टो स्टार फेसलिफ्ट कार। बीते कुछ महीनों से भारतीय कार बाजार में हलचल बहुत बड़ी हुई है और शायद इसी का नतीजा है कि आने वाले महीनों में भारतीय कार बाजार में नई नई कारों का आगमन लगा रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश की प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी हुंडई 4 अक्टूबर को अपनी नई सेंट्रो कार का खुलासा करने वाली। नई सेंट्रो से हुंडई ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश करेगा। इसी को देखते हुए आप मारुति सुजुकी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और देश में अपनी नई ऑल्टो को जल्द से जल्द लॉन्च करने का निर्णय ले लिया है। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि मारुति अपनी बंद हो चुकी ऑल्टो स्टार को दोबारा भारत में नए फेसलिफ्ट अवतार में लॉन्च करने की योजना बना रही है। नई ऑल्टो स्टार दिखने में कुछ पुरानी जनरेशन की मॉडल जैसा ही प्रतीत होगी, पर इसमें नए डिजाइन किए गए फ्रंट ग्रिल और हेडलैम्प दिए जाएंगे। गाड़ी के साइड प्रोफाइल में 13 इंच व्हील नए व्हील कवर्स के साथ दिए जाएंगे। साथ ही गाड़ी के डायमेंशन को भी बढ़ाया जाएगा। रियल प्रोफाइल काफी हद तक पुरानी स्टार जैसा ही होगा, केवल इसमें एक नए डिजाइन किए गए टेल लाइट्स दिए जाएंगे। जहां तक इंजन की बात की जाए तो मैं यह स्टाइल में एक नया 998 सीसी इको वाल्व इंजन दिया जा सकता है जो तकरीबन 76 BHP की पावर और 98 Nm टॉर्क का उत्पादन करेगा। यह इंजन शुरुआत में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के साथ उतारा जाएगा और आगे चलक इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का भी ऑप्शन दिया जाएगा। इस कार की कीमत तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। हमें कमेंट करके बताएं आपको यह कार कैसी लगो और क्या आप यह कार खरीदेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक की हमारे चैनल हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।